तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर्स में। भाई कल का दिन मिस हुआ, परसों जो हमने वीडियो बनाई थी क्या नाम आपकी ये जो एलपीएल का चल रहा है तो उसमें तो भाई अगर देखी होगी वीडियो तो बड़े प्यार से जीते होंगे और सॉलिड वाले जीते होंगे क्योंकि पूरी प्रेडिक्शन आखिरी दम तक ओके गई थी, बस केवल रजा एनिक्स थोड़ा काम खराब कर गए थे उस प्रेडिक्शन में। ठीक है, तो जिन्हें रखा होगा उनका फायदा हुआ है, जिन्हें ड्रॉप किया उनका लॉस हुआ ही होगा। ठीक है, तो इस मैच में क्या रहने वाला है जो एलपीएल का आज क्या नाम है जो होता है ना लीग मैचेस लास्ट है, इसके बाद क्वालिफायर और एलिमिनेटर और फाइनल खेले जाएंगे। ठीक है, आज लगेगा डीएस वर्सेस सीएस यानी दमुल्ला वर्सेस कोलंबो के बीच में, दोनों टीम्स की प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। क्या इस मैच में बारिश होनी है या नहीं होनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिक्स प्लेयर कौन से रहेंगे, ट्रम्प कार्ड कौन से रहेंगे, मोहम्मद नबी में पिछले मैच में फ्लॉप गया इस बार रखना है नहीं रखना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुरबाज फ्लॉप हुआ था पिछले मैच में, इसमें क्या होगा, प्लस यहां से रजा हेनिक्स पिछले मैच फ्लॉप गया उससे पहले मार के गया, आज क्या होगा उसके बारे में सारा डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, नहीं तो भाई अनलाइक भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और टेलीग्राम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ताकि टॉस के बाद फाइनल टीम्स वगैरह आपको वहां पे मिल सके, जरूर ज्वाइन करना। और तीन ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन जहां पे एंट्री फीस तो कम मिलेगी, साथ में कंपटीशन भी आपको लो मिलेगा, प्लस टीडीएस फ्री बिल्कुल है, जितना आप जीतोगे उतना आपका होगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड दोनों टीम्स की, डीएस की बात करें 7 मैच खेले मात्र 2 ही जीत पाए, वहीं सीएस की बात करें तो 7 खेल के 4 जीते, तो कहीं ना कहीं सीरीज में बनी है, इनका मामला टाटा बाय बाय हो चुका है। ठीक है, अब देखो आर प्रेमदास स्टेडियम जैसे मैंने बताया पहले ऑलरेडी सारे मैचेस यहीं पे होंगे, आज के मैच में भाई बड़ी चिंताजनक बात है, स्मॉल लीग वाले थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो क्योंकि भाई आज के मैच में बारिश है, 99% गूगल बाबा का कहना बारिश होगी होगी, तो भाई ये मान के चलो मैच छोटा भी हो सकता है उसी हिसाब से प्रेडिक्शन को अपने पास रखना, कब किसको क्या करना है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। बारिश के चांसेस हाई है आज के मैच में, बारिश दिख सकती है। ठीक है, बाकी देखो 146 का यहाँ पे एक एवरेज स्कोर निकल के आता है इस ग्राउंड पे, रन थ्रोबर ठीक ठाक बन जाते हैं, टोटल इस ग्राउंड पे देखा तो बैट फर्स्ट की एवरेज देखा जाए तो 142 की बढ़ के आ चुके, पहले कम थी अब 142 की जा चुकी है। सेकंड इनिंग बात करें 150 की एवरेज, यानी जो टीम बैट सेकंड करती है उसको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है मैचेस जीतने का, और टोटल रिकॉर्ड भी देखोगे ना टोटल मैचेस वो बैट सेकंड में ज्यादा वन हुए। हेड टू हेड बात करें थोड़ा सा हेड टू हेड देख लो, 7 मैचेस यहाँ पे डीएस वाले जीते हैं और 3 मैचेस यहाँ पे सीएस वाले जीते हैं हेड टू हेड में, और इस सीरीज में दो मतलब लास्ट के 5 मैचेस में, जो लास्ट के 5 मैच है उनमें 2 ये जीते हैं 2 ये जीते हैं, ये भी अपना 3 हार के आ रहे हैं, ये भी 3 हार के आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट के 10 मैचेस इस ग्राउंड पर देखा जाए कितने विकेट कैसे निकले, भाई 49 विकेट मिले पेसर्स को और 73 विकेट मिले स्पिनर्स को, स्पिन गेम में है मगर इस सीरीज में एलपीएल में इसमें यहाँ पर पेसर्स भी गेम मार रहे हैं, पिछले 15 ओवर में 4 विकेट लेके गया था। ठीक है, लास्ट में देखोगे इस ग्राउंड पर तो 7 विकेट पेसर्स को मिले, 6 विकेट स्पिन को मिले, दोनों खाते में रहेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन आपको बना के लेके चलने पड़ेगा, आप किसी को स्किप नहीं कर सकते, और भाई छोटा मैच हुआ तो एक एक दो दो ओवर का मैच होगा पर हेड, मतलब जो बॉलर आएगा उसके हेड पर एक दो ओवर आएंगे, वहां पर बड़े से बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना है आपको फायदा मिल सकता है, सारे डिस्कशन आपको करने वाला है डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं चारों सेक्शन, विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर और बॉलर पूरा कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल स्किप मत करना यहां से, जो लोग स्मॉल लीग में थोड़ा सा यूनिक टीम बनाना चाहते हैं कंपटीशन हाई लेवल पे है और आपको थोड़ा सा यूनिक स्मॉल लीग में भी करना पड़ेगा, और ग्रैनी में तो भैया कुछ अलग ही करना पड़ेगा तभी आपकी ग्रैनी की टीम बन पाएगी, तो हेल्प करूंगा यहां से कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, कैसे बैट फर्स्ट में सेकंड में, वो चीज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले जो हमारी नंबर 1 पहले एप्लीकेशन रहने वाली है विजन 11, आपको डाउनलोड नहीं करिए तो भाई कर लो, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में रेफर कोड चंद 23 के 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, यहाँ पे एंट्री फीस के साथ साथ कंपटीशन भी आपको लो ही मिलेगा, प्लस टीडीएस जीएसटी बिल्कुल फ्री है, विंदास खेलो। ठीक है, अब आ जाओ भैया विकेट कीपर सेक्शन में, 4 ऑप्शन आपको मिलने वाला है, के परेरा जिसकी परसेंटेज हाई रहेगी, एल उडारा जिसकी परसेंटेज लो ही रहने वाली है, साथ में आर गुरबाज इसके भी परसेंटेज आपको हाई दिखेगी, और सदीर समर विक्रमा इसका थोड़ा सा लो दिखेगा और इसका रिसेंट फॉर्म खत्म हो चुका है। ठीक है, के परेरा का भैया हेड टू हेड ग्राउंड दोनों जबरदस्त है, गलती से भी किसी भी लीग में ड्रॉप करना नहीं है। ठीक है, उड़ार का मतलब बनता नहीं है। अब आ जाओ बारी गुरबाज पे, गुरबाज की भाई बहुत बड़ी तगड़ी फिल्म है, कभी चलता कभी नहीं चलता है। इस मैच में क्या हो सकता है, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो ड्रॉप करने का पूरा रिस्क उठाना चाहे स्मॉल लीग क्यों ना हो, अगर बाद में बैटिंग करती है तो आर गुरबाज को 101% अपनी टीम में लेके चलना, ड्रॉप गलती से भी नहीं करना, सेकंड इनिंग अच्छा करता बैट फर्स्ट में एक बार को खराब करना, साथ में सदीर समर विक्रमा इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करूंगा भाई बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा प्लेयर है कभी भी शतक मार के जा सकता है, रीसेंट फॉर्म से जूझ रहा है, नहीं चल रहा रीसेंट में, तो कभी ना कभी मैं भी कुछ कर जाए, कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, बट एक दो प्लेयर जो आपके परेरा और गुरबाज इनके बारे में आपको बता दिया, आप इनको अपने रिस्क पे चाहो तो रख सकते हो, चाहे तो ड्रॉप कर सकते, क्योंकि इस पे प्रिडिक्शन करना मतलब है तुक्का मारना, क्योंकि लॉजिक कुछ है नहीं, लॉजिक फिलहाल यही है, रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है बस। अब जो बैटिंग सेक्शन से, बैटिंग से कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, नंबर 1 रजा हेनिक्स है, आई जादरन है, साथ में मार्क चैपमैन है, अब यहां से देखो
इनका भैया बॉलिंग का ठीक ठाक है मामला, जैसा भी है। आर क्या नाम है, रजा हेंड्रिक्स, लास्ट में आई थिंक आपको याद होगा 74 रन की कुछ पारी आई थी इसी ग्राउंड पर आई थी। हेड टू हेड भी ठीक है, ग्राउंड भी ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के मैच में रजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप मत करना गलती से भी। आजादरान ये आपके लिए ट्रंप पिक हो सकता है, जैसा आपको पता है कैसा खेलता भाई आजादरान, मगर एलपीएल में यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पा रहा है, तो फिर भी ओवरऑल हमारा ट्रंप कार्ड का पिक रहेगा, यूज कर सकते हो ट्रंप के तौर पर। मार्क चैपमैन दुनिया ट्राई करी, इन्हें टॉप ऑर्डर फ्लॉप जा रहा है, बीच में आगे कुछ कर जा रहा है, मे भी पार्ट टाइम बॉलिंग में कर जाए, कोई शॉर्ट नहीं है ठीक है, बट ये है मार्क चैपमैन को थोड़ा सा रिस्क लेने के बोलूंगा आज के मैच में, ड्रॉप करने का रिस्क उठा सकते हो। बाकी यहां से आ जाओ, क्या नाम है आपका, वसीम मोहम्मद है, एंजेलो परेरा है, साथ में आपका ग्लेन फिलिप्स है ठीक है। वसीम मोहम्मद को लोगे तो भैया ग्लेन फिलिप्स को ड्रॉप करके चलो, पहले आपको बता दूं, अगर ये कुछ करेगा तो इसका रोल कुछ नहीं रहेगा, अगर इसको ड्रॉप करोगे तो इसका रोल बहुत कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां से एक और है, यहां से एक को और फ्लॉप होना पड़ेगा तब जाके ग्लेन फिलिप्स का रोल बढ़ेगा। डाउन आएगा बैटिंग के लिए, अगर बारिश होने के चांसेस हो गलती से भी रखना ही मत भाई मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी चॉइस है ठीक है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, परसेंटेज बहुत हाई है, बाकी आपकी चॉइस है, रखना चाहो रख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में भाई 6 प्लेयर यहाँ पर भी दिख रहे हैं, कौन सा किसको रखना है नहीं रखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, समझ में आएगा कैसे किसको रखना है। और अभी तक की जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन रहने वाली है वो हमारी बैटबॉल लेवल, अगर नहीं की डाउनलोड कर लो, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देगा, साथ पर रेफरल कोड चंदू123 यूज करोगे 500 रुपए का वेलकम बोनस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस भैया जिसके अंदर स्किल्स है रमी लूडो इससे भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो इस एप्लीकेशन पर कभी भी, तो जल्दी जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना। अब जो भैया ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पिछले मैच में फ्लॉप गया, डीए बंदा पिछले मैच बिगड़ लेके गया, राहुल बिगड़ लेके जाहिर आज भी बिगड़ लेके जाएगा, दोनों के दोनों नबी भी ले जाएगा हेमंत भी ले जाएगा, गलती से भी आज ड्रॉप मत करना, अगर नबी को ड्रॉप कर रहे हो तो ही यहाँ पे विक्रम सिंघे को ट्राई करना, अदरवाइज मत करना ठीक है। यहां से आ जाओ सादाब खान, आज फिर से आपको एक आध दो विकेट लेता हुआ दिखेगा, ड्रॉप नहीं करना, डी वेल ले गए ये भी कम से कम आज 102 विकेट ले जाता हूं आपको फिर से दिखेगा, तो गलती से भी इन प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करना मेरे साथ, अगर आपको लगता है कोई फ्लॉप जाएगा तो चाहो कर सकते हो, अगर बारिश कम हुई सॉरी मतलब बारिश हुई तो उस सिचुएशन में आप मोहम्मद नबी को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, विक्रम सिंघे को ट्राई कर सकते हो, पेसर्स को थोड़ा बहुत अच्छी खासी मदद मिल सकती है। उस सीजन में सादाब खान और डी वेल तो सजेस्ट नहीं करूंगा ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विकेट निकाल के पॉइंट्स देके जाएंगे। अब अच्छा बॉलिंग सेक्शन से 6 ऑप्शन आपको यहां पे मिलने वाले हैं, भैया नुमान प्रदीप अगर आते हैं तो आंख बंद करके रख रहा है, एन तुषारा के साथ नुमान प्रदीप को आप ट्राई जरूर करना क्योंकि आपको विकेट निकाल के देगा, दिलुसा की जगह पर अगर आएगा तो ठीक है, एन तुषारा अगर नहीं आता तो भैया तुषारा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ कमाल जरूर करके देगा, तो गलती से भी ड्रॉप नहीं करना, और स्पेशली बॉल पहले करेगा ना तो जरूर रखना, साथ में यहां से क्या नाम है इनको आर गुरबाज को सीधा बाहर करना, बाहर का रास्ता दिखाना ठीक है। मधुसंघा सजेस्ट नहीं करूंगा, हेड टू हेड ग्राउंड कुछ खास है नहीं, रीसेंट में चल रहा है बस टाइम कर रहा है, दिल से आपके लिए अगर खेलते हैं तो ट्रंप कार्ड के पिक बन सकते हैं, टॉस के बाद देखते हैं क्या होता है। यहां से आ जाओ एम पथिराना, कोई नहीं छोड़ेगा भाई गलती से भी, और ध्यान रखना अगर कम ओवर का मैच हुआ तो इसको छोड़ के जरूर चलना क्योंकि ये मे भी फ्लॉप चला जाए कोई पता नहीं। यहां से बात कर रहा फर्नांडो, ये आपके लिए अच्छी चॉइस बनेगी बनेगी, इसको ट्राई जरूर करना, कम से कम एक आधा विकेट आपको ले जाता हुआ दिख ही सकता है। बाकी यहाँ पे विजय सुंदरा सजेस्ट नहीं करूंगा, आप करना चाहते हो कर सकते हो, ज्यादा रिकॉर्ड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसीलिए मैंने इसके बारे में पिटीशन भी नहीं करी, आप अपने हिसाब से चाहो तो रख सकते हो ठीक है। चारों सेक्शन कुछ मिस हो तो भाई कमेंट कर देना भाई, मेरे हिसाब से तो तहे दिल से पूरा हो चुका है, अगर आपके हिसाब से कुछ मिस हो तो भाई कमेंट करना, और वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं फाइनली हमारे फिक्स प्लेयर और ट्रंप कार्ड, और उसके बाद हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे यूज करने हैं, उससे पहले हमारी थर्ड एप्लीकेशन जो रहने वाली है फोकस 11, अगर डाउनलोड नहीं किया तो भाई कर लो, उस ऐप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, साथ पर रेफर कोड GET555 अगर यूज करोगे 555 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा भाई, इंटरफेस कॉम्पिटिशन TDS सब कुछ फ्री मिलेगा, कॉम्पिटिशन तो लो ही होगा, क्या नाम है इंटरफेस भी लो होगी, बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 70-80% अपने बोनस को स्मॉल लीग में तक यूज कर सकते हो, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग, ये थोड़ा सा एडवांटेज है इस ऐप पे ठीक है। बाकी भैया क्या बोलते हैं इंस्टेंट विड्रॉल ये वो ये तो सभी दे रही है, कोई टेंशन की नहीं। फिक्स प्लेयर की बात करें रेजा हेंड्रिक्स बिल्कुल फिक्स रहने वाला है डीएस की तरफ से, मोहम्मद नबी फिक्स रहेंगे, डी हेमंता फिक्स रहेंगे, साथ में एन तुषारा फिक्स रहेंगे, नुमान प्रदीप अगर खेलते हैं तो वो भी फिक्स ही रहेंगे। यहां से जो सादाब खान डी वेल लेक साथ में आपका एम पथिराना, ये मैक्सिमम टीम्स फिक्स रहेंगे, जैसे मैंने सिचुएशन बताई बारिश भी पथिराना गायब हो गए बी फर्नांडो को ज्यादा ट्राई करूंगा ज्यादातर टीम्स में, बाकी देखते हैं क्या होता है टॉस के बाद पता चल ही जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे ट्रंप कार्ड यस वाले और नो वाले, यस वाले जिनकी परसेंटेज बहुत कम है ट्राई करने, नो वाले वो है जिनकी परसेंटेज हाई है और उतने ही हाई फ्लॉप होने के चांस में। यहां से बात करें डीएस की तरफ से तो IZ इब्राहिम जादरान, SD बोले तो आपका SD कौन है भाई, यहां से
ये सॉरी दिलू साहब अगर खेलता है तो चांस थोड़ा सा कमी है। यहां से बात करें डब्ल्यू एम वसीम मोहम्मद, यहां से बात करें बी एफ बोले तो आपका फर्नांडो, परसेंटेज बहुत कम है दोनों की, जैसे मैंने ट्रिक बताई है उस हिसाब से आप ले सकते हैं अगर आपने वीडियो देखी होगी पूरी तो आपको पता होगा। अब ये वो वाले नो वाले जिनको ड्रॉप करने का रिस्क उठाना है, एम सी बोले तो आपका मार्क चैपमैन बहुत ज्यादा चॉइस है, सी डब्ल्यू बोले तो आपका विक्रम सिंह है, इसकी भी चॉइस बहुत ज्यादा, ट्रिक मैंने दोनों की बताई है। यहां से बात करें सी एस है तो जीबी बोले तो आपका ग्लेन फिलिप्स, इसकी भी ट्रिक पूरी बताई है, आरजी बोले तो रहमानुल्लाह गुरबाज, इसकी भी ट्रिक मैंने आपको पूरी बताई है। अगर वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको पता होगा, नहीं देखिए तो शुरू से देख लो, बहुत टाइम है अभी। ठीक है तो ये थे फाइनल हमारी पूरी प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं फाइनली कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे हमारे इस मैच में ट्राई कर सकते हो, किसको यूज कर सकते हो। भाई देखो के परेरा अगर टीम पहले बैटिंग करते हैं तो जरूर ट्राई करना एज ए कैप्टन, गुरबाज भी अगर टीम पहले बैटिंग करते हैं तो जरूर ट्राई करना, स्पेशली उस सिचुएशन में जब बारिश हो रही हो। ध्यान देना यहां से आ जाओ रेजा हेनरिक्स, स्पेशली बैट फर्स्ट में जरूर कैप्टन ट्राई करना, आई ज्यादा उनको सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी यहां से वसीम मोहम्मद परेरा ग्लेन फिलिप्स किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो। मोहम्मद नबी ट्राई जरूर करना एज ए कैप्टन, डी हेमंता जरूर ट्राई करना एज ए कैप्टन, क्योंकि भाई अगर दो ही विकेट भी ले गए ना दो ओवर में तो काम कर जाएंगे। ठीक है सादाब खान फुल दावेदार रहता है, डी वेलिंग फुल दावेदार रहता है, ग्रैंडी के लिए आपको उनको कैप्टन ट्राई जरूर करना, मल्टीपल टीम से बनाओगे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाओगे तो भाई आराम से कवर कर लो। यहां से बात करें कोई खास ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको सजेस्ट करो, नुमान प्रदीप अगर इनकी तरफ से आता तो आप उनको अपनी टीम में एज ए कैप्टन जा सकते हो, वो भी तब जब टीम पहले बॉलिंग करे, बस इतना आपको कर लेना है। ठीक है तो ये था भैया सारा लेखा जोखा इस मैच के लिए डीएस वर्सेस सीएस क्या रहने वाला, जो भी मैंने आपको सारी चीजें अपनी बता दी अपने साथ, बाकी कुछ मिस हुआ तो कमेंट करना, नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, और हमारी तीन फैंटेसी एप्लीकेशन नंबर वन पे विजन 11 अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, साथ में रेफर कोड चंदू 123 जरूर यूज करना। दूसरी एप्लीकेशन हमारी बैट बॉल 11, उसका भी भाई जिसका रमी लूडो इन चीजों में स्किल है ज्ञान है वो भी इससे खेल के और बैटिंग से भी मतलब जो हम खेलते हैं फैंटेसी से भी वहां से भी पैसा अन कर सकते हो बैट बॉल से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ में रेफर कोड चंदू 123 इसमें भी यूज करना, 500 रुपए का वेलकम बॉनस मिल जाएगा। थर्ड एप्लीकेशन फोकस 11 भाई कमाल कर रही है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ में रेफर कोड चंदू 123 इसमें वो है आपका गेट 555 यूज करोगे तो 555 रुपए का बॉनस मिलेगा, जिसे आप 70 से 80% स्मॉल लीग ग्रैंड लीग किसी में भी यूज कर सकते हो, यही इस ऐप का एडवांटेज है। ठीक है तो बाकी देखते हैं मैच में क्या होता है, टेलीग्राम उसको जरूर ज्वाइन करो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, टॉस के बाद बारिश होती या फिर नहीं होता देखता आपको सब पता चलेगा टेलीग्राम चैनल पे, उससे जुड़े रहना। तो मिलते हैं दोस्तों टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।